पेपर की तैयारी कैसे करें, या फिर पेपर में कैसे पास हों, या फिर हमें कितने नंबर चाहिए एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो ये वीडियो उन सभी लाभार्थियों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जो कि जिनके मन में डर रहता है कि यार हमें पास कैसे होना है, या फिर हम पास होने के लिए क्या करें, कितने नंबर हमें चाहिए। तो अधिकतर बच्चों में आपने ये देखा होगा कि उनके जहन में बातें होती हैं कि हमें 80 में से कितने मार्क्स चाहिए, या फिर सर हम पास होने के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ें कि पास हो जाएं, या फिर हमें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम मतलब एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो ये ओवरऑल ये बातें हैं जो बच्चों के अंदर उनको डरा के रखती हैं, ठीक है, जिसके वजह से ना तो वो अपनी तैयारी पे फोकस कर पाते हैं और ना ही खुद को एक सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि उनके जहन, उनके माइंड में बातें बैठी हुई होती हैं जो कि उनके जो मानसिकता है उसको दबोच रखी है, जिसके वजह से वो अपनी तैयारी जो है उसको सही से बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो आज ओवरऑल हम इन्हीं सब बातों के ऊपर बात करने वाले, इन सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी किस तरीके से हो, ठीक है, आप कितने मार्क्स, किस क्लास के लिए पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, या फिर आपकी जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो मेनली आज जो है वो हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज कोई हम आपके साथ चैप्टर के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम किसी एक पर्टिकुलर 11th या 12th क्लास के किसी चैप्टर के ऊपर हम आपको यहाँ पे सुझाव नहीं देंगे, बल्कि हम ये आपको सुझाव देंगे कि किस तरीके से आप अपने जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें सुधार करके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही उठा रहा हूँ आपके सामने कि अधिकतर बच्चों जो 11th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के हैं, या फिर जो सीनियर बच्चे हैं, उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भैया एग्ज़ाम आ गए हैं, या फिर सर एग्ज़ाम आ गया है, हम कैसे तैयारी करें। सबसे पहली बात तो उनके माइंड में यही रहती है कि हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, हम ये भी पढ़ लें, सपोर्ट भी पढ़ लें, और 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर भी पढ़ लें क्या, कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन उठ के आएगा ये आप बता दो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो रिलैक्स, आप ये मत देखो कि मैं 10 ईयर भी पढ़ लूँ, सपोर्ट भी पढ़ लूँ, बुक भी पढ़ लूँ और अपने नोट्स भी पढ़ लूँ। नहीं, अगर आप 10 जगह पे माइंड अपना लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने का, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है रणनीति, ठीक है, वो सबसे पहले होता है रणनीति। आपको शायद क्या पता राइटिंग समझना है तो परेशान मत होइएगा, मैं यहाँ पे लिखते हुए और बोलते हुए चलूँगा। रणनीति देखिए, सबसे पहले आप कभी भी किसी भी फील्ड में उतरते हैं, ठीक है, चाहे वो युद्ध का फील्ड हो, या फिर वो शिक्षा का फील्ड हो, नौकरी का फील्ड हो, कहीं भी, तो सबसे पहले आपकी रणनीति क्या है वो मायने रखती है। कि रणनीति का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजी, यानी कि आप सबसे पहले सिलेबस को डिकोड कीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस को एक तरीके से डिकोड करते हैं, उसको सही से एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप कम टाइम में ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मार्क्स अचीव कर पाते हैं, और जिस भी फील्ड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस फील्ड में अच्छा अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपकी रणनीति क्या है, रणनीति का मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पे, ठीक है, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना होता है, तो सिलेबस, यानी कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, उनको ये देखना है कि उनका सिलेबस क्या है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं उनके आ रहे हैं, और उन चैप्टर्स में भी कौन कौन से टॉपिक है जो उनको पढ़ने हैं। क्या होता है, कई बार हमारे सामने जो चैप्टर आ रहे होते हैं, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर है, उन सब में से हमें सारा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है। एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारा टॉपिक नहीं पढ़ना होता है, उसमें से भी कई बार कई टॉपिक कटे हुए होते हैं। तो हमें तो सबसे पहले सिलेबस अपना देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है, उसके बाद हमें ये देखना है कि उस सिलेबस में भी, उस चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक जो है वो कटा हुआ है, यानी कि नहीं आ रहा है, तो हमें सारा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। सारा अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ फिट नहीं होगा, हमें उतना ही पढ़ना है जितना कि हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है, आ सकता है, उतना ही पढ़ के चलना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपकी रणनीति होनी चाहिए, सिलेबस को डिकोड कीजिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है उसके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको फिट बैठा, यानी कि आपके सामने अगर 11th क्लास में ही अगर आप हैं तो आपके सामने अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट को आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुटेबल बनाइए कि आप किस टाइम किस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टाइम टेबल बना रखे हैं तो आपके सामने सबसे पहले तो ये परेशानी नहीं होगी कि सर हमें किस टाइम पे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, नहीं। तो आप टाइम टेबल बनाइए कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है और उस टाइम पे पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, ठीक है। और उस टाइम उस सब्जेक्ट को टाइम देते हुए आप ये एनालाइज कीजिए कि आपने कितना टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक में से भी आप खुद के क्वेश्चन और खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पे आप डिकोड करेंगे, सिलेबस के बाद आप क्या करेंगे टाइम टेबल, यानी कि आपका टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चीजों को देखते हुए चलेंगे कि मुझे किस टाइम पे क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और हाँ, ये चीज मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एग्जाम टाइम पे नहीं है, जब से आपका सेशन स्टार्ट होता है पढ़ाई का तब से लेकर और जब तक आपका वो सेशन खत्म नहीं होता है तब तक के लिए ये बातें, ठीक है। तो टाइम टेबल फिट कीजिए, टाइम टेबल मैनेज करने के बाद उसके बाद आप जो पढ़ रहे हैं उसका पर्टिकुलर नोट्स बनाइए। ये नोट्स क्या करते हैं, तो ये नोट्स हमें सबसे पहले फ़ायदा देते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे हमारे सामने शॉर्ट नोट्स होता है, क्या होता है कि कई बार हम एग्ज़ाम टाइम पे हमें ज़्यादा दिन का गैप नहीं मिलता है प्रिपरेशन का, ठीक है। इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, उसी को हम शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हम उसका प्रिपरेशन कर पाएँ। तो उन शॉर्ट नोट्स से क्या कीजिएगा इस टाइम टेबल के बाद, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट्स जो होगा, शॉर्ट नोट्स जो होगा, शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए। इस शॉर्ट नोट से क्या कीजिएगा एग्जाम टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। किस चीज़ में, रिवीजन में, क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है हमें पढ़ना कम रिवीजन ज़्यादा करना होता है, न्यू टॉपिक को न्यू चैप्टर को हमें पढ़ना कम होता है रिवीजन ज़्यादा करना होता है। तो अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा कि आप रिवीजन कर पाएं, वो किससे कर पाएंगे आप, तो शॉर्ट नोट्स से, ठीक है। तो ये बातें हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करके क्या कीजिए, आप एक अलग एक्स्ट्रा नोटबुक रखिए, उसमें आप उनको लिखते हुए चलिए कि हाँ मेरे को इतने चैप्टर याद हैं, इतने चैप्टर में भी इन पॉइंट्स को मैंने रिवीजन कर रखा है, उसमें मेरे को डर नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें हैं कि आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, उसके हिसाब से आप पढ़ने बैठिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम सोचते कुछ और हो, कुछ और जाता है, मैं सोचते अरे यार अभी पेपर में बहुत टाइम है, हम पढ़ लेंगे, 10 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा। पर सच बताऊं तो वो 10 दिन कैसे 10 दिनों के अंदर ही निकल जाता है, हमें पता ही नहीं लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक। और हाँ, डरने की बात नहीं है, क्योंकि मानसिकता अगर आपके डर में बदल गई तो आप वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे जहाँ बढ़ना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं उठाऊंगा यहाँ पे कि बच्चों के माइंड में हमेशा ये रहता है कि सर हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये मत देखा करो कि हाँ आपको पास ही होना है, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो वो बच्चा लेके आ जाता है जो क्लास में महीने दिन में भी हफ्ते दिन आता है सिर्फ, ठीक है। वो बच्चा भी पासिंग मार्क्स अचीव कर लेता है जो एक कॉर्नर की सीट पे बैठ करके टीचर्स के लेक्चर नहीं सुन रहा होता बल्कि सोया हुआ होता है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स के लिए मत पढ़िए, आप बेहतर के लिए पढ़िए कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पासिंग मार्क्स आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर नहीं होती पहले से, इस वजह से आप कई बार अच्छा नहीं कर पाते हैं सिर्फ डर की वजह से, आपके अंदर वो डर बार बार सता रहा होता है। तो देखिए क्या होता है, मैं मेनली 11th क्लास की अगर बात करूं, 11th क्लास के बच्चों में सबसे अधिक ये बातें होती हैं कि सर मुझे 80 नंबर में से कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो ओवरऑल कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका टोटल, ठीक है। अब 100s में भी क्या होता है ये देखिए, आपका जो होता है 20 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा तो इसमें क्या होता है ये भी आपको बताते हुए चलता हूँ, पहले एक और चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका जो होता है, ये 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होता है जब आप बैठ करके एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर जो है, ये 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं, जो आप प्रैक्टिकल बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल
उसके 20 नंबर होते हैं। 20 में से भी टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर आपको इसमें से 18 दे रहे हैं या 19 दे रहे हैं या आउट ऑफ 20 दे रहे हैं, ये उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज कि 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको मार्क्स लाने होते हैं। मेन जो है आपका काउंटेबल जो होता है ये होता है सिलेक्शन का, यानी पासिंग का, ठीक है। 80 में से आपको अब यहाँ पे कितना अप्लाइएगा तो पास होइएगा, ये भी बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों के लिए ये है कि सर 80 में से मुझे कितने लाने होते हैं। तो देखिए आपको 80 में से, 11th क्लास के लिए मैं मेनली बता रहा हूँ क्योंकि 11th के बच्चों में सबसे ज़्यादा डर ये रहता है, ठीक है। 11th क्लास के बच्चे में क्या होता है और 9th क्लास के बच्चे में, क्योंकि अधिकतर बच्चे 11th और 9th में ही ये फेल होने की संभावना उनकी होती है जिसकी वजह से डर रहता है। तो इनको यहाँ पे कितने नंबर चाहिए होते हैं 9th और 11th के बच्चों को, 33%। याद रखना 80 में से 33% चाहिए होता है, ठीक है। अब 80 का 33% कैसे होगा, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 18 / 100 × 33, ठीक है, तो आप वहाँ पे पाएंगे कि क्या है 26.4 ये आता है इसका 33%, यानी कि 26.4 का मतलब क्या है यहाँ पे 27 नंबर, ठीक है। यानी कि आपको 27 नंबर चाहिए होते हैं 80 में से पास होने के लिए, ठीक है। अब ये बात तो यहाँ क्लियर है कि 80 में से 27 चाहिए। अब बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर 20 में से कितना चाहिए, तो देखिए ये 20 में से मैंने आपको बताया कि टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको 20 में से 20 दे रहे हैं, 19 दे रहे हैं या 18 दे रहे हैं, ठीक है। पर ये चीज़ आपको पास नहीं कराती, पास मैंने आपको ये नंबर कराते हैं जो 80 में से आप लेके आते हैं, ठीक है। ये नंबर तो आपके यहाँ पास होने के बाद ऐड होते हैं उसमें, ताकि आपका परसेंट इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो आपको 80 में से 33% चाहिए होता है, जो कि 33% होता है 26.4 यानी 27, ठीक है। 27 नंबर आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सर 27 नंबर चाहिए, फर्स्ट टर्म में हम 20 नंबर ले आएंगे और सेकेंड टर्म में हम 7 नंबर ले आएंगे, 27 नंबर हो गए हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो नहीं, यहाँ मेन बात यही है समझने के लिए, यहाँ समझिए क्या है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में क्या है, देखिए 27 नंबर जो है बच्चों वो आपको फर्स्ट टर्म में भी इंडिविजुअल 27 चाहिए और सेकेंड टर्म में भी आपको इंडिविजुअल 27 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टर्म में 20 नंबर ले आए और सेकेंड टर्म में 7 नंबर ले आए तो प्लस करके 27 हो गया तो आप पास हो जाएंगे, नहीं। यहीं पे 11th और 9th क्लास में बच्चे फेल हो जाते हैं। मेन यही रीज़न होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे फर्स्ट टर्म में 27 चाहिए था या सेकेंड टर्म में 27 चाहिए थे, फर्स्ट टर्म में कितना चाहिए था। बस इस वजह से बच्चे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, नहीं प्रिपेयर कर पाते अपने आप को उस तरीके से और यहीं चूक जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में नंबर चाहिए होंगे, किस तरीके से आप अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। तो 27 नंबर आपको फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों में चाहिए होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी हो। और पहली बात तो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सब एक से एक धुरंधर हैं, तो वो 27 क्या वो इससे भी अधिक नंबर ले आते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। और यही उम्मीद इस बार की भी है कि इस बार भी वो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। ये बातें थी नंबर्स को लेकर के, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में कि सर नंबर तो हम ले आए, ठीक है, कोई नहीं, बट नंबर के अलावा हम किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें कि वो टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे भी एक समझने की बात है कि आप ये फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले कि आपके एग्ज़ाम में चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। उन चैप्टर में भी कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए तपना पड़ता है। अब आप ये सोचिएगा कि सिर्फ हम स्कूल गए या फिर कोचिंग सेंटर में गए, वहाँ पर टीचर्स ने जो पढ़ाया हम पढ़ के नोट करके घर चले गए, बंद करके रख दिए और फिर दोबारा से ट्यूशन में जा करके ही खोल कर नोटबुक वहाँ ही पढ़ेंगे, नहीं होगा इतने से। आपको टीचर से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको सारे रिसोर्सेज फाइंड आउट करने की ज़रूरत है जो आपके लिए नीडफुल हैं, ठीक है। तो आप वो चैप्टर फाइंड आउट कीजिए, वो नंबर फाइंड आउट कीजिए कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आ रहा है, उसके हिसाब से उतने नंबर का ही उस चैप्टर से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आप एक ही चैप्टर से ज़्यादा पढ़ लेंगे और दूसरे चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ेंगे तो पास दिलाने, नंबर ज़्यादा दिलाने में कामयाब नहीं होंगे, ठीक है।
इसीलिए आप ज़्यादा ना पढ़ करके उतना ही पढ़िए जितने मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है, ताकि आप उसके अलावा और सारे चैप्टर पे भी ध्यान दे सके, उन पे भी फोकस कर सके, और जहाँ पे आप 27 से 30 नंबर लाने के लिए सोच रहे हैं वहाँ पे आप 50 60 70 प्लस नंबर लेके आए, ठीक है। तो हमारी उम्मीद यही रहती है आप सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, बेहतर करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम सॉल्व कर पाएँ। कहीं ना कहीं ये बातें मेरे अंदर थी कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले बताऊं कि आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और इस तरीके से आपकी स्कोरिंग होती है, नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये डाउट्स आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई इससे रिलेटेड डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं यहाँ पर रिसॉल्व करूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो पॉलिटिकल के एग्ज़ाम है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता ही है और कितने नंबर का पूछता है, उसके आंसर राइटिंग आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आपके लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके अंदर का डर खत्म हुआ कि नहीं। थैंक यू।